सड़कों पर दौड़ती हुई तमाम गाड़ियों पर अक्सर आपने देखा होगा, किसी गाड़ी पर क्षत्रिय तो किसी पर ब्राह्मण, किसी पर मौर्य तो किसी पर यादव, जाट, गुजर, ऐसे तमाम जातियां गाड़ियों के शीशों पर लिखी होती हैं। दरअसल अब ऐसे लोगों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, इनकी गाड़ियां सीज तक हो जाएंगी। सामाजिक समरसता के लिए ये लोग घातक साबित हो रहे हैं। दरअसल पीएमओ ने एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, जिसमें पीएमओ ने कहा कि ऐसे लोग जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे की जातियों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए पीएमओ ने उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा और ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कहा है। अब आनन फानन में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। अब अगर किसी की भी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखा हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी सीज तक हो जाएगी। राजधानी लखनऊ में ऐसा पहला मामला सामने भी आ चुका है, जहां पर सक्सेना लिखी हुई एक गाड़ी को पुलिस ने सीज किया है। फिलहाल ऐसे और लोगों के लिए पुलिस चेकिंग लगाई है, जिन्होंने अपनी गाड़ियों पर शान से अपनी जातियां लिखी हुई हैं। माना यह जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपनी जाति को बड़ा और दूसरी जातियों को छोटा दिखाया जा सके। लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रही है, तो आप भी सावधान हो जाइए। अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर ऐसा कुछ लिखवाया है तो तुरंत हटवा दें, वरना आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। Thank you.